नमस्कार दोस्तों, बहुत अधिक स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में, और कुछ शिक्षा समाचार और भी देखेंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज है कि आयोग में नई सचिव जयपाल ने किया ज्वाइन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारी कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सचिव रेणु जयपाल ने सोमवार को कार्य ग्रहण कर लिया है और आयोग के अधिकारियों और कार्मिकों ने जयपाल का स्वागत किया है। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं या जो परीक्षाएं होनी है उस पर काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इससे बेरोजगारों को राहत मिलेगी। होने वाली परीक्षाओं के लिए भी उनकी तैयारियां हैं वो शायद दुरुस्त होंगी, क्योंकि नए हैं और ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी है, तो हो सकता है काम में प्रोसेसिंग में फास्ट हो। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ें तो RPSC को कोर्ट का एक ऑर्डर मिला है, उसके अकॉर्डिंग फुल कमीशन में इस पर पालना पर मंथन होगा। और ये ऑर्डर जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग को मिला ST OBC के उन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश जिनके अंक जनरल के कट ऑफ से अधिक हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की जिनकी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो 2018 में हो चुकी है, AEN से परीक्षा 2018 का प्रारंभिक और 16 से 18 दिसंबर 2018 को ये उसको लेकर है, ये मामला विवादों में फंस गया था। ऐसा ही विवाद RAS भर्ती को लेकर भी कई बार होता है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम में जनरल से कुछ कैटेगरीज की कट ऑफ ज़्यादा रहती है और मामला कोर्ट में जाने के बाद ही सुलट पाता है, तो एक तरह से ये परंपरा बन गई है। एक और खबर ये है कि प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के 2018 के दोनों पेपरों में 16% डिलीट हो गए हैं, तो कुल मिलाकर ये पहले पेपर में 7 और दूसरे पेपर में 9, यानी कुल 16% डिलीट किए गए हैं। और RPSC ने कट ऑफ और जो प्राप्तांक जारी किए उनके अकॉर्डिंग ये सूची मिल पा रही है। गौरतलब है कि हर बार उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी न्यायालय की शरण लेते हैं और वहाँ पर प्रश्नों पर विवाद न उठे, इसे लेकर यह प्रयास किया गया है कि बड़ी संख्या में प्रश्नों को डिलीट किया गया है। हालांकि अगर अभ्यर्थी को कोई डाउट हो और उनका प्रश्न सही हो और आयोग ने उसे डिलीट मान लिया, तो उसको लेकर भी ऐसा मामला उलझ सकता है, लेकिन फिर भी इसकी संभावना काफ़ी नगण्य रह जाती है। RPSC फर्स्ट ग्रेड भर्ती की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड भर्ती के संदर्भ में उपेन यादव के ट्वीट के बाद एक ताज़ा वीडियो अपलोड किया गया है इसी चैनल पर इससे पहले, और उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दिखाई दे जाएगा। वहां से आप विश्लेषण करें कि ये परीक्षा कब होने की संभावना है। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आने वाला स्वागत, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएँ। जय हिंद, जय भारत।